हम लोगों ने जो पढ़ा था बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने गणित भी सीख लिया था। सम अपवर्त्य और सम अपवर्तक क्या है, अपवर्त अपवर्तक को पढ़ लिया था। अपवर्त किसे कहते हैं, किसी भी संख्या का दिया गया जो मल्टीपल होता है, जो गुणज होता है, जो पहाड़ा होता है, उसे हम अपवर्त कहते हैं। जैसे दो का अगर अपवर्त पूछ दिया जाए, अपवर्त तो दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा क्या, दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह, उसे मल्टीपल कहते हैं, इसे गुणज कहते हैं। ठीक, तो अगर 16 का अपवर्त ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहाड़ा पता चलिए 16 का, और इसका सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, सबसे बड़ा अपवर्त अनंत होता है, ये पहाड़ा की तरह लिखते चले आइए। और 24 का अपवर्त, दोनों हमने अपवर्त लिख दिया। अब दोनों अपवर्त लिखने के बाद 16 और 24 का अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि सम अपवर्त कौन कौन से हैं, दिए गए संख्याओं में सम अपवर्त कौन कौन से, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। सम माने समान, अपवर्त माने अपवर्त। अब यहां देखेंगे कि यहां भी 48 है, यहां भी 48 है, ठीक, क्या हो गया, एक सम अपवर्त मिला, कितना मिला, एक सम अपवर्त। इसी तरह भी और भी है, यहां पे मिला 96 मिला, फिर 100, तो ये सम अपवर्त हो गए 16 और 44 की, बढ़ते जाएंगे, माने दिए गए संख्याओं में जो समान अपवर्त हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम अपवर्त कहते हैं, फिर सम अपवर्त हो गए। अगर इसी में, इसी सम अपवर्त में हम एक शब्द और जोड़ दें, क्या क्या हो गया, 48 हुआ, 96 हुआ, 144 हुआ, आगे भी हो सकता है। अगर इसी शब्द में हम लघुत्तम शब्द का प्रयोग कर दे, लघुत्तम, लघुत्तम, फिर सम अपवर्त, लघुत्तम माने सबसे छोटा, सम अपवर्त माने जो दोनों में समान हो, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा अपवर्त है जो दोनों में हो, 48, तब इसका निकल गया लघुत्तम सम अपवर्त, इसे कहते हैं लघुत्तम सम अपवर्त, इसी को कहते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 48, इसी को हम कहते हैं एलसीएम, कितना हो गया 48, लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने सबसे छोटा सार्वगुणज, इसे एक नाम से और जानेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा सार्वगुणज क्या हो गया, सबसे छोटा सार्वगुणज, ये हो गया आपका सबसे छोटा सार्वगुणज। इतने नामों से इसे अब जाना जाएगा, इस किसको, 48 को, सार्वगुणज माने सार्व माने दोनों में, तीनों में जितने लिखे हो, गुणज माने मल्टीपल सबसे छोटा, इसे कहते हैं लघुत्तम सम अपवर्त, सीटेट की भाषा में कहते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, सबसे छोटा सार्वगुणज कितना होगा, 48। कैसे होगा, सार्वगुणज तो 96 भी है, सार्वगुणज 144 भी है, सबसे छोटे की अगर बात करेगा, सबसे छोटा क्या है, 48, माने इससे कोई छोटी संख्या ही नहीं है जो क्या करे, जो इन दोनों से डिवाइड हो, इसे हम एलसीएम कहते हैं। और कई कई परीक्षाओं में सीधा ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बताइएगा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, हाँ एलसीएम का, हाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट माने सबसे छोटा, ठीक, कॉमन माने सार्व, मल्टीपल माने गुणज, सबसे छोटा सार्व गुणज, ठीक, क्लियर हुआ, तो हम इसी को एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम सम अपवर्त कहते हैं, और सम अपवर्त मतलब लगातार बढ़ती हुई संख्याओं का जो कॉमन रूप से हो। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, एक बात यहां और आया कि जो ये 48 आपको एलसीएम प्राप्त हुआ है, 48 कितने का है, ये 16 और 24, तो एक बात याद रखिएगा, नाम है लघुत्तम और उत्तर आता है बड़ा, दिए गए संख्या के या तो सबसे बड़े के बराबर होता है, उससे बड़ा, लेकिन जो एलसीएम होता है वो दिए गए संख्याओं से दोनों से विभाजित तो होगा, ये 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, और उससे बड़ी बात या इन दोनों के गुणनखंडों से भी विभाजित तो होगा, क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनखंड है उससे भी क्या होगा, ये विभाजित होगा, माने अगर हम 16 का गुणनखंड करें, 16 गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, इनसे भी ये विभाजित होगा, और साथ ही साथ अगर 24 काम कर दिए 8 × 3, तो इससे भी विभाजित
तो एलसीएम जिस संख्याओं का या जिन संख्याओं को निकाला जाता है वह संख्या दिए गए संख्या के गुणनखंडों से भी विभाजित होती है, यह आप लोग याद रखिएगा। ये क्या करिएगा आप लोग भी याद रखिएगा क्योंकि आपके भी काम में आएगी। यहां तक कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? अब एलसीएम निकालने की ये एक विधि मैंने जिक्र किया, अभी और सारी विधियां हैं। अगर ये आपका हो गया हो इसे आप लिख लीजिएगा, आप इसकी शॉर्ट करके जूम करके भी देख लीजिएगा ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। बड़े आगे इरेज किया जाए इसे। हो गया। अब इसी 16-24 को हम गुणनखंड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम या सबसे छोटा सार गुणज निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 16 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 24 का अगर करेंगे 2 × 2 × 2 × 3, मतलब इसे एक तरीके से और व्यक्त कर सकते हैं कि 16 को लिख सकते हैं 2 × 4 और 24 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 1। पहले यहां देख लेते हैं, यहां अगर आपको एलसीएम निकालना है माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा सारगुणज, तो सबसे छोटा पहले देखेंगे सारगुणज कौन कौन है। तो यहां देखा ये 2 है, यहां 2 है, यहां 2, यहां 2, यहां 2, माने यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक। तो सबसे छोटे की बात कर रहा, देखेंगे 2 इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, तो ज्यादा बार उसे लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 3, कहां एक बार है या नहीं है, एक बार 3 लिख लिया, तो क्या हो गया 2 × 4 × 8 × 16 × 48। यहां देखेंगे यहां में ये ज्ञात हुआ ये 16 × 2 × 4 हुआ और फिर 24 × 3 × 3। इस कंडीशन हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा घात वाला लिख देंगे 2 × 4 × 3 × 1, 2 × 4 = 16 × 3। तो इस प्रकार हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 48 प्राप्त हुआ, ठीक है, हो गया। हमने क्या किया, हमने पूरा इसका गुणनखंड करके देख लिया, इसका गुणनखंड करके हमने देख लिया। आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या तक, कोई समस्या नहीं ना, चलिए देखते हैं। ये हो गया गुणनखंड विधि से, अब ये भाग विधि से भी लगेगा, भाग विधि को भी देख लेते हैं इसी समय। ये मिटा दे, तो अब हमें दिखाई दिया, हमने हमें ज्ञात भी हुआ, क्या ज्ञात हुआ कि यदि 16 और 24 को हम भाग विधि से निकालें, सबसे प्राचीन विधि है, सबसे ज्यादा आप लोग इसी का प्रयोग करते हैं, इसी विधि का, तो 16-24 का गुणनखंड के लिए निकालेंगे, तो हमने जानते हैं विभाज्यता का नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2 से काटेंगे, 4 से, 6 से, 8 से, इस तरह से काटते हुए आगे बढ़ेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 4, यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 यहाँ पे। जब कभी भी एलसीएम ज्ञात करना हो और यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाए, वो दशा में इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, अथवा ये 2 से काटेंगे 1 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इस प्रकार हमें कितना प्राप्त होगा, ये 48 फिर प्राप्त हुआ। तो ये एलसीएम निकालने की हमने सभी विधियों का अध्ययन कर लिया है, उम्मीद करते हैं सारी विधियां आपको समझ में आ गई होंगी, सारे मेथड एक बार में समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग का, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना कि हमने ये देखा कि इन दोनों से सद्विभाज्य होगी बड़ी आएगी या बराबर है तो बड़ी आएगी, इन दोनों से छोटी कभी आ ही नहीं सकती, इसे कहते हैं एलसीएम, ठीक। अगर 3 संख्या होती तो क्या 3 का भी निकाला जा सकता था, जैसे हो सकता है जैसे आप निकालिए 15, 30 और 45 का एलसीएम,
15, 30, 45 सभी विधियों से भी निकाल सकते हैं। जितनी विधियाँ हमने बताई हैं उन सभी विधियों का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तीन विधि से आसानी से आप निकाल सकते हैं। कितना है? 90 से ही। कई तरीके से लगा सकते हैं आप, इस तरीके से भी सीधा सीधा भी लगा सकते हैं आप। हमें लगाना हो तो सीधा लगाएंगे कैसे? 15 का 15, 15 दूना 30, 15 3 45, फिर 2 से काटेंगे 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 3। वैसे आप अलग अलग काट सकते हैं, 15 × 2 × 3 90, ठीक। लेकिन आप पहले 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे। गुणनखंड विधि लगाना हो इसकी भी देख लीजिएगा, पहले 15 है तो 3 × 30 है, 2 × 3 × 5 45 है, 3 × 3 × 5। यहाँ देखेंगे 3 एक बार है, एक बार या दो बार, कितनी बार लेंगे? 2 बार वाला, 2 एक बार है तो एक बार लेंगे, 5 एक बार है तीनों एक बार लेंगे, आ गया 90। ये हो गया एलसीएम 90। ठीक, सार गुणज विधि से कोई विधि आप यूज कर इसका उत्तर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। ये था सबसे छोटा सार गुणज निकालने का तरीका। अगर ये मेथड समझे रहेंगे आप, आगे सरल होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आगे गणित अगर आपको सरल करना है तो इस मेथड को समझते रहना है। फिर हम देखते हैं कि ये जो 90 है इन सभी गुणनखंडों से क्या होता है, ये विभाजित होता है। इसके गुणनखंड से भी, इसके गुणनखंड से भी, इसके गुणनखंड से भी विभाजित होता है। ठीक, आप पढ़ लेते, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैश। ये समझ में आ गया? फिर साथ में सवाल को सॉल्व करेंगे दोनों मिलाकर। अभी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर मैश निकालनी है तो मैश निकालने की सामान्य विधि है। सामान्य विधि क्या है वो देख लीजिएगा, उसकी भी मैं से कैसे निकालेंगे। फिर लेते हैं 16 48, 16 और 48 का अपवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे? अपवर्तक। हमने आपको अपवर्तक पढ़ाया है। अपवर्तक कैसे निकालते हैं, अपवर्तक कैसे निकालेंगे? कल आप लोग क्लास में थे, जिन्होंने जो थे उनको पता होगा 16 का अपवर्तक माने 16 के गुणनखंड होगा, 16 किन किन संख्याओं से कटेगा। ठीक, हमें ये पता होगा कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, 16। 48 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, 24 से, छोटा तो नहीं ना कुछ। अगर सम अपवर्तक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सम अपवर्तक ज्ञात करना हो तो कैसे? सम माने बराबर, अपवर्तक जो दोनों में समान, तो पता चला इसमें क्या है, 1 2 देख रहे हैं ना, 1 2 4 8 16, ये क्या है, ये समान अपवर्तक है। ये सम अपवर्तक हो गए इसके। लेकिन अगर हम यह पूछ दें, इसका गुणनखंड निकाल के यह पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देंगी, उसके लिए क्या है? देखिए, ये सम अपवर्तक समझ में आ गया, ये हो गया सम अपवर्तक। लेकिन अगर इसमें देखा जाए वो कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी विभाजित करती है, 16 से ये भी कट जाएंगे 16 से, तो माने 16 वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों से, माने वो सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है वही वास्तव में क्या होता है, मस, माने महत्तम समापवर्तक। इसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट हो माने सबसे बड़ा हो, कॉमन हो फैक्टर भी हो, गुणनखंड भी हो, माने सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। क्या कहेंगे?
सबसे बड़ा सार्व गुणन खंड क्या होगा? सबसे बड़ा सार्व गुणन खंड अस्सी भी वही होगा, 16 होगा, यहां भी क्या होगा 16 होगा। माने 16 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इनको और इनको दोनों को विभाजित कर दे, दोनों को काट सके। माने 16 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर सकती है, पूरी पूरी तरह से काट सकती है, पूरी पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। ये मैं पूरी बेसिक तोड़ कर पढ़ा रहा हूं, आप लसम मसा पढ़े होंगे लेकिन इस तरह से आप लोग पहली बार साथ पढ़ रहे होंगे। मतलब ये पूरी बेसिक है कि लसम मसा आया कहां से, ये सीटेड की शब्दावली है और हम ऐसा पढ़ाएंगे सीटेड रिपीटेड सुपरटेड सब में काम करेगा, केवल एक ही जगह आपको काम नहीं करेगा। ठीक हुआ ये मिटा दिया जाए। एक विधि इसकी और वो भी देख ली तब मिटाए, जैसे गुणन खंड विधि 16 का और 24 का 48 है ना, 16 गुणनखंड क्या होगा 2 × 4 × 8 × 16, यहाँ क्या होगा 2 × 4 × 8 × 16। इसकी भी एक विधि और भी है वो भी यूज कर लेते भी। ये क्या करेंगे SCF निकालना है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन हो, तो पता चले ये है ये है ये है ये है, माने इससे बड़ा कोई कॉमन है ही नहीं। ये हो गया 2 × 2 × अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी 2, ये बचा 3, छोड़ देंगे कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं है तो क्या होगा 16। इसका SCF कितना आएगा 16, कितना आएगा इसका SCF 16 आएगा। मतलब इसको वैसे भी लिख सकते थे 16 को 2 × 4, यहाँ लिख सकते थे 48 को 2 × 4 × 3 जो दोनों में है, 2 × 4 = 16 क्या होगा इसका 80। खूब बढ़िया समझ लीजिए, लिख लीजिए, लगा लीजिए, नहीं समझ में आएगा तब फिर हमसे पूछिएगा। ठीक अब आगे देखते हम लोग, अगली जो विधि है ये मिटा दीजिए पूरा। इसके बाद इसी में भाग विधि से भी मैसेज निकलता है, भाग विधि से दो तरह से निकलता है, दोनों विधि हम लोग देख लेते हैं। इसको पूरा इरेज कर दिया जाए, देखा जाए दोनों विधियां कौन कौन सी है। पहली तरीका, अगर हम 16 और 48 का एलसीएम निकालना है, क्या करते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या पहले भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार, यही करते हैं ना, कितना आ गया। अब क्या करते हैं, हाँ डायरेक्ट आ गया, इसमें डायरेक्ट हो गया, इसे कटा ही नहीं, आगे बढ़ना ही। चलिए वो विधि अभी देख लेते हैं दूसरी विधि से। अब यहाँ पे मेथड और निकालेंगे, अगर हम 16 और 24 से 48 से ये लेसर मैसर एक साथ निकाला जा सकता है, आपको पता ही नहीं, दोनों विधि एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। चलिए लेसर और मैसर निकालने की एक संपूर्ण विधि क्या है, उसमें भाग विधि भी सीख लेंगे भी सीख लेंगे। जैसे यहाँ है 16 और 24 का आपको लेसर मैसर दोनों ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे 16 का गुणनखंड कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 24 का निकालना है 2 × 2 × 2 × 3। पहले इसमें SCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले SCF, तो SCF कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा ये 1, 2, 3 2 × 2 × 2, ठीक 8 हो गया। इसी का एलसीएम निकालना हो तो 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ कहता है हाई लोवे लिस्ट और ये कहता है हाईएस्ट लेता छोटा, तो कहता है छोटा लेता है बड़ा, 2 × 2 × 2 × 2 बचा 3 × 3 एलसीएम 48 SCF एक साथ दोनों हमने निकाल लिया। मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है तो देखिए एक तरीका भी है 16 और 24 का 2 से डिवाइड करेंगे, जहां तक दोनों या तीनों डिवाइड होंगे 2 से किए 8, 12 2 से किए 4, 6 2 से किए 2, 3 जहां तक दिया गया संख्या का सभी पद डिवाइड होते हैं
करते हैं वहां तक हमेशा मैसा होता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि हो गया आपका SCF 2 × 2 × 2। उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या निकलेगा, एक कहीं में हमने लैसा भी निकाल लिया और एक कहीं हमने मैसा निकाल लिया, आपका कीमती वक्त बच गया, आपका जो महत्वपूर्ण समय था वो आसानी से हमने बचा लिया। समझ में नहीं आया, जहां तक डिवाइड करते जाएंगे, जहां तक दिए गए नंबर से दोनों पद डिवाइड होंगे, तीनों जितना दिया रहेगा सब डिवाइड होंगे, वो मैसा होगा, बाकी जो बचेगा वो सब लेस। तो यहां से हमने देखा कि दो से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, ये तो जहां तक दोनों नंबर कटे वहां तक अलग लिख लिया, वहां तक अंडरलाइन कर लिया, ये मैसा हो गया, बाकी अब इसके नीचे जो पूरा है वो पूरा क्या है, लेस। ठीक, उबिएगा मत, सवाल तो कल सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आज केवल हम उसके मेथड को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक, कोई दिक्कत यहां से, कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। अब हम और नंबरों पे देखते हैं कि और नंबर पे भी ऐसा निकाला जा सकता है, तो कहने से तो होगा नहीं, आगे देखते हैं। उसके लिए क्या किया जाए, देखते हैं हम लोग क्या करना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहला काम, जैसे इसके पहले एक नंबर हमने लिया था 15, 30, 45, 60, 15, 30, 60 का आपको एलसीएम और एससीएफ निकालना है दोनों एक साथ। दोनों एक साथ निकालेंगे दो विधि से, अगर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 15 × गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 5, 30 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5, 60 का 2 × 4 = 12, 25, 60। अब यहां से पहले SCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो सभी में हो। तो 3, 3, 3 यहां भी है, 5, 5, 5 यहां भी है, 2 यहां यहां लेकिन यहां नहीं है, माने 3 और 5 यहां भी है, 3 और 5 यहां भी, 3, 5 यहां भी, तो लिख लिया 3, 5 कितना हो गया, इसका SCF कितना आ गया, इसी में एलसीएम निकालना होगा। तो हमने देखेंगे यहाँ क्या क्या मिला एलसीएम में, 3, 5 यहाँ भी है, 3, 5 यहाँ, 3, 5 यहाँ, 3, 5 लिख लिया, यहाँ 1 बार 2, यहाँ 2 बार 2, तो ज्यादा बार लिखेंगे, 3, 5, 15 × 30 × एलसीएम कितना आएगा, 1 कहीं में हम दोनों निकालना सीख गए, अलग से कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ, आपका समय सेफ हो गया, और हमको यही करना है, हमें टाइम ही तो बचाना है, गलत तो सभी पढ़ लेते, हमें टाइम बचाना है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक की तरफ धीरे धीरे करके अग्रसर। आइए देखते हैं आगे, एक विधि और लिखते हैं 15, 30 और 60, इस विधि से भी देख लेते हैं, इस विधि से हो पाता है नहीं, यहां पे हमने देखा 2 से डिवाइड किया, पहले से करते हैं सबसे हो, 3 से करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 30, 30 से किया 20, फिर 5 से किया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 हो गए, तो यहां तक नंबर जो मिला उसे सभी संख्याएं कट रही हैं, तो क्या हो गया SCF, क्योंकि इसके आगे अलग अलग संख्या से कट रही है, 5 × 20, 3 से कटा 20, 60 ले लिया क्या, ठीक है, चलिए अब क्या कितना हुआ इसका SCF, 3 × 5 = 12, अब आगे बढ़ेंगे 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, तो क्या मिला, 3 × 5 × 2 × 2 =
हमने देखा कि अलग अलग तरीके से भी हम लोग कितना बेहतरीन तरीके से एलसीएम और शिफ्ट ज्ञात कर लिया। कोई डाउट, कोई समस्या? बताएं आप लोग। हो गया, चलिए अब प्रश्न को सॉल्व भी किया जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ी बढ़ा जाए ना। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर। इसे और भी शॉर्ट में यूज किया जा सकता है, लेकिन अब उतना करने के लिए आपके ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। गणित तभी आसान होगा जब आप अभ्यास करेंगे। जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे उतना ज्यादा गणित आसान होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे। इसीलिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पहले लिखा दी ताकि पता चले किस संख्या से कट रहा है। हम तो तुरंत काटते हुए चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाना चाह रहा हूं। इसको बाद में सिखा लें, पहले कुछ पढ़ लें, पढ़ लें तब सिखाएंगे। नए के दिन ज्यादा पढ़ लेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, वो भी होने लगेगा। चलिए जरा आप तो निकालिए तो 150 320 का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालिए। इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, आराम से निकालिए आप लोग, निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं इसमें, ये इसको डिवाइड करेंगे हम दो तरीके से लगा लगते हैं। ये जीरो है, हमें जानते हैं 10 से कटेगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। तो ये जो 10 निकला इसके बाद अलग अलग संख्या अलग अलग से कटेंगे, तो ये 10 अगर हम लिख देंगे 10 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, 10 निकल गया 10 एचसीएफ, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालना है तो ये 15 32 एक दूसरे से अलग अलग किसी संख्या से, ना 15 कटेगी ना 32 अलग अलग संख्या से कटेगी, तो हम यही लिख सकते हैं 10 × 15 × 32। कौन छोटी सी काटी है आपके ऊपर है, वो तो नियम जानते हैं आप, वो सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अलग कुछ पढ़ाने आया है ना, इसका गुणा कर दिए तो 15 दाम में 150 × 32, तो 15 × 30, 15 × 3 = 45, 3 × 48 लड्डू बचा 48, इसका क्या हो गया क्या, वो समय बच गया क्योंकि हमें जानते हैं 15 15 से कटेगा, 32 32 कटेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड कर दे, तो इसका गुणज जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 10 × 15 × 32 की 48 हो गया, समय बचा। अब किसे लगाएंगे, हम किसे लगाएंगे, देखिए जैसे उन्होंने भी किसी ने पूछ भी दिया था अभी, 150 320, चलिए दो दो से काटना शुरू करें, दो से काटेंगे 75, दो से काटेंगे 160, दो से काटेंगे 75, दो से काटेंगे 80, फिर दो से काटेंगे 75, दो से काटेंगे 40, फिर दो से काटेंगे 75, दो से काटेंगे 20, काटते रहिए चाकू लगा लगा के, टाइम घड़ी चल रहा है 10। ऐसे करते थे आप ना कि कहीं से काट रहे, काटिए तब ऐसे 5, फिर 5 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर अब जाके गुणा करेंगे तब मिल गया। और हम क्या करेंगे, उत्तर में कोई अंतर आया नहीं आया, यही गणित है, यही क्या है, वास्तविक गणित है। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं समझ में आया? अच्छा, अब नहीं समझ में आया तो फिर कब समझ में आया, मिटा दे इसको, आगे प्रश्न लिखिएगा। 40 80 60 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। हाँ,
40, 60, 80 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? 40, 60 और 80 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? लगाइए आप लोग भी। हाँ, मैसे 20 लेस है, लगाइए। चलिए देखते हैं, दो तीन विधि लगाएंगे, लेकिन हम भाग विधि सबसे सरल पकड़ लिया हम लोगों ने, ऐसे ही मार देंगे डायरेक्ट। ऐसी संख्या से तीनों कटेगा, लड्डू का 10 से कटेगा तीनों, 4, 6, 8, 2 से कट जाएगा, 2 × 4, 2 × 3, 6, 2 × 4। अब इसके बाद अलग अलग संख्या से कटे, अलग अलग संख्या से कटे, यहाँ तक क्या हो गया? 10 × 2 = 20। समझ में आ गया? एलसीएम निकालना है, हम ये जानते हैं ये 2 3 से है और 2 4 का गुणज है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10 × 3 × 4। 10 × 3 = 4 है, ये 4 है, 120 कहां से आएगा? 4 × 3 = 12, 1 2। अरे गलत तो नहीं हुआ, ऊपर 10 × 40, 10 × 60, 10 × 80, 2 × 2 = 3, 8 × 4। अब 2 भी है छोटा, 2 छोट गया है, ओहो तभी कह रहे हैं 2 × 4। अब ये 2 छोट गया ऊपर, 10 × 2 माने 10 × 2 × 4 × 3। क्यों 4 × 3? इसको भी देख लेते हैं। देखिए अब ये अगर हम 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये 2। अब यहाँ तक ले लेते हैं, ये अलग अलग गुणनखंड है, अलग अलग संख्या से कटेगी, तो यहाँ भी कर लेंगे 10 × 2 × 2 × 3 × 2 = 240 से, क्योंकि 3 और 2 अलग अलग संख्या से कटेगी और 4 इसका क्या था, पहले से गुणज था। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आया? ये कहीं निकल रहा है, लस समस्या अलग अलग नहीं, ये कहीं निकाल लेना, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं गुणनखंड विधि से आप नहीं निकाल सकते, उससे भी आप निकाल सकते हैं। और कोई नंबर आप लोग बोले, आप लोग कोई अंक बोले, कोई नंबर है, कोई अंक बोले, कोई अंक या नंबर बोलिए आप लोग। 333। चलिए आप एक काटना भी है, ऐसा बोलिए, देखिए हमें सिखाना है ना, क्योंकि अगर मेथड पता है कोई अंक लगा लेंगे, आपको एक बार सिखा दें वैसे, क्यों तो चाहे जो नंबर बोले, हमसे भी कटवाएंगे आप, दर इस बात का अपने तो काटेंगे नहीं, वो कटवाएंगे। 45, 60, 72 एलसीएम एचसीएफ निकालिए, मतलब ऐसा नंबर रहे ताकि दोनों लोगों को बढ़िया रहे। अभी आप लगवा देंगे, काटना तो हमें को पड़ेगा, नहीं काट पाएंगे तो। और आप लोग इसके बाद हम जो नोट्स हमारी नोट्स को सॉल्व करेंगे सीधा, इसके जस्ट बाद जो हमारी नोट्स में जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करा देंगे, ताकि प्रश्न को तरीका भी आपको पता हो जाए फिर। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग 6306344367 7355179012 पे आप कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ, ठीक। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, ऐसी संख्या से काटे से 3 सभी से कट जाए तो पता चला कौन सी से नंबर से सब कटेगा, 3, 3 से ये 15, 3 से ये 20, 3 से ये 24, फिर अब किससे कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 3 क्या हो गया आपका,
बहुत तेज हो जा रहे हैं आप लोग। अब फिर दूर से काट दिया जाए, ये काटेंगे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, फिर दूसरे काटेंगे 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6। अब क्या करेंगे, 5 से काट दिया जाए, 5 से काटेंगे 3 1 6, 3 से काटेंगे 1 1 2। अब गुणा कर दीजिए, 2 से भी कर दें भाई, जी इतना काटे हैं तो कितना आएगा, हाँ 3 × 2 × 2 × 5 × 3 × 2 कितना, 1000। 1000 आप लगा लीजिए, हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, अपने हिसाब से आप लगा लीजिए। ये 3 है, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? 360 होगा, 360 आएगा, 360 आएगा भैया। 3 × 2 = 6 × 12 = 25 = 60 × 36 = 18 = 36, 360 आएगा। कौन गुणा करवा दीजिए, तभी लिखते ही बोल दिए, मैं डाउट हुआ कुछ। 360 होगा भाई, अभी आप बोल दें, लिख देंगे जो यूट्यूब पे देखें हम गरीबों करेंगे कि मसला खुद ही नहीं आता, ये कहाँ पढ़ाएगा। और ये बनारस में क्लास चल रही है लगभग, जैसा कि आप सबको भी पता होगा, आप लोग भी बता दीजिएगा बनारस में जो भी हैं। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है ना, आगे बढ़ा जाए, कोई नंबर ले ले, बस हो गया, खत्म कर दिया जाए, सस्पेंड किया जाए क्लास। बताएं आप लोग, बताएं आप लोग, बोले आप लोग, बोलने का पैसा लगता है क्या? अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है, लेकिन एक ही दिन बता देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा। छत्तीस 54 48, ठीक, इसका निकाल लीजिएगा आप लोग, हम होमवर्क टाइप का देते चल रहे हैं। दूसरा 120 360 72 54 27, तिरसठ, चौथा 40 56 120, पांचवा 65 91 78, इसका निकालिएगा आप एलसीएम और एससीएफ, तरीका पता हो गया, ये 120 है, थोड़ी हैंडराइटिंग हमारी गड़बड़ है, इसका एलसीएम एससीएफ निकाल लीजिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं आप निकाल लेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई माने रखे, और आप कोई छोट शेयर भी कर दीजिएगा सभी को, ताकि सभी तक ये पहुंच भी जाए। कोई दिक्कत, समस्या आप लोग को, चलिए ठीक है, आप लोगों को दिक्कत समस्या, बस किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोग भी शेयर कर दीजिए अगर बेहतर लगेगा, और नहीं बेहतर लगेगा कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लाइट गायब हो गई थी, लेकिन बाद में सब सही हो गया, ठीक, और ये बनारस होते जाते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है ना।